नमस्कार, मैं शालिनी। स्वागत है आपका सिटी जंक्शन न्यूज में, अपना चैनल अपनी बात। सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीता नगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह, वही है पेशवा। जी हां, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीता नगर, अकोला। शहर में सख्त लॉकडाउन ने याद दिलाया पिछले साल का लॉकडाउन। लॉकडाउन के मद्देनजर मदिरालय में भीड़, कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां। अतिक्रमण ने फिर पसारे अपने पैर और मंगलवार से जारी होगी कोरोना की नई गाइडलाइंस, लगेगा लॉकडाउन 1 मार्च तक। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीता नगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह, वही है पेशवा। जी हां, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीता नगर, अकोला। अब समाचार विस्तार से। शहर में कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिलाधिकारी ने 1 दिन के लॉकडाउन के आदेश जारी किए हैं। स्थिति पूर्ववत हो रही थी कि कोरोना ने फिर से अपने पैर फैलाना शुरू कर दिया, जिसके चलते सबसे पहले शालाएं बंद करने के आदेश प्रशासन ने दिए। इसके बाद कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए और उस पर रोकथाम और सुरक्षा के दृष्टिकोण से जिलाधिकारी ने शहर में 1 दिन के सख्त लॉकडाउन के आदेश जारी किए, जिसके तहत शनिवार रात 12 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक शहर में लॉकडाउन किया गया, जिससे जनता का काफ़ी अच्छा प्रतिसाद मिलता दिखाई दिया। इसके अंतर्गत जीवनावश्यक वस्तुएं, मेडिकल और अस्पताल छोड़कर बाकी प्रतिष्ठान एवं सुविधाएं बंद रखी गई। वहां पर किसी भी तरह का सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया और कोरोना नियमावली दिखाने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए ना तो वहां कोई पुलिस वाला था, ना ही कोई अधिकारी मौजूद था। अगर इसी तरह बेतरतीबी से सब चलता रहा तो मजबूरन हमें मार्च से सितंबर तक के दिन फिर से देखने पड़ सकते, यानी कि घर में बैठना पड़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि नियमों का ध्यान रखें और सुरक्षा बनाए रखें। शहर में आयुक्त के अवकाश पर जाते ही अतिक्रमण की स्थिति ज्यों की त्यों हो गई है, जिससे आम जनता को काफी दिक्कतें पेश आ रही है। कुछ दिनों पहले अकोला शहर के आयुक्त के आदेश पर शहर में किया गया अतिक्रमण साफ किया गया था, लेकिन अब स्थिति ज्यों की त्यों नजर आने लगी है। पहले शहर में पुल और कई सड़कों का निर्माण कार्य चल रहा है और अब अकोला शहर आयुक्त अवकाश पर जाने के कारण अधिकारियों का इस ओर दुर्लक्ष होता नजर आ रहा है, जिसका लाभ उठाते हुए शहर के छोटे व्यवसायियों ने फिर से अतिक्रमण कर अपनी दुकानें सजाना शुरू कर दिया है, जिससे आम जनता को तो परेशानी हो ही रही है, साथ ही साथ वाहन धारकों को भी नाहक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसे इस ओर संबंधित अधिकारियों द्वारा ध्यान देना और उचित कार्रवाई करना निहायत जरूरी हो गया है। अकोला जिले में बढ़ते कोरोना के प्रादुर्भाव को देखते हुए रविवार दोपहर जिलाधिकारी पापलकर ने नए आदेश जारी किए हैं, जिसके तहत अकोला शहर, मूर्तिजापुर शहर, आकोट शहर, इन तीनों जगह पर 23 फरवरी से 1 मार्च तक उन्होंने लॉकडाउन का ऐलान किया है, जिसमें सिर्फ जीवनावश्यक वस्तुओं की प्रतिष्ठान ही खुले रखने के आदेश दिए हैं। अकोला जिल्ह्यातील कोविडचा वाढता प्रादुर्भाव विचारात घेता माननीय विभागीय आयुक्त महोदयांनी कंटेनमेंट झोन आणि कंटेनमेंट बाहेरच्या बाहेरील क्षेत्र या संबंधातील काही आदेश आज जारी केले होते। त्या अनुषंगाने अकोला जिल्ह्यातील आपल्याकडे जे काही कोविडचा प्रादुर्भाव वेगवेगळ्या नगरपालिका एरियात आणि महानगरपालिका क्षेत्रात आहे, त्याच्या अनुषंगाने अकोला महानगरपालिका संपूर्ण क्षेत्र, आकोट, मूर्तिजापूर या दोन्ही नगरपालिकांचं संपूर्ण क्षेत्र हे आपण कंटेनमेंट झोन म्हणून या ठिकाणी घोषित करीत आहोत। कंटेनमेंट झोनच्या आतमध्ये म्हणजे नगरपालिका आणि महानगरपालिकेच्या क्षेत्रात या कालावधीमध्ये फक्त अत्यावश्यक सेवांमध्ये असलेली जी काही आपल्याकडची जीवनावश्यक दुकाने आहेत, आरोग्य सेवा आहे आणि स्वस्त धान्य दुकाने आहेत, एवढी दुकाने सकाळी 8 ते दुपारी 3 वाजेपर्यंतच्या कालावधीत सुरू राहणार आहेत। या व्यतिरिक्त सर्व जी काही बिगर जीवनावश्यक आस्थापना आणि दुकाने ही सर्व या कालावधीमध्ये बंद करण्यात येत आहेत। या व्यतिरिक्त ज्या काही आपल्या धार्मिक मंदिर, मस्जिद आणि चर्च आणि गुरुद्वारा आहेत कंटेनमेंट झोनच्या आतील, ते सर्व या कालावधीमध्ये बंद राहणार आहेत। याचा जो कालावधी राहणार आहे तो 23 तारखेच्या सकाळी 6 वाजेपासून
ते 1 मार्च सकाळी 8 वाजेपर्यंत या कालावधीपर्यंत हे आपला लॉकडाऊन हा आपण घोषित करीत आहोत। या पातूर तहसील अंतर्गत आने वाले चतारी ग्रामीण अस्पताल से कोविशील्ड के 7 टीके चोरी होने की घटना से सभी ओर हड़कंप मच गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच आरंभ की, जिसे अब सफलता मिली है। अस्पताल में कार्यरत कर्मचारी दीपक सोनटक्के ने ही कोविशील्ड के 7 टीके चोरी किए, ये बात जांच में पता चली। फिलहाल उसे गिरफ्तार कर उस पर विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज करने की जानकारी जिला पुलिस अधीक्षक माननीय जी श्रीधर ने दी है। चांदनी पुलिस स्टेशन नदी में छतारी करके रूरल हॉस्पिटल है, उधर से 7 वैक्सीन पहले मिसिंग हुआ करके वहाँ के मेडिकल ऑफिसर ने तकरार दिया था। फिर बाद में उनकी इंटरनल इंक्वायरी में उनको उनकी वैक्सीनेटर है दीपक सोनटक्के करके उनके ऊपर उन्होंने डाउट बताया, फिर उन्होंने उनके खिलाफ FIR भी दाखिल किया और कल की तारीख में 19 तारीख में 380 IPC प्रमाण हमने उनके ऊपर गुनाह दाखिल किया और दीपक सोनटक्के के खिलाफ और उनको ताबे में लिया। अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगेगा एग्जैक्टली क्या हुआ करके। सर उसने किसी भी कस्टडी में है, उनका पूछताछ इंटरोगेशन शुरू है, फर्दर डिटेल्स आने के बाद हम आपको बताएंगे। लड़कियों के साथ छेड़खानी का विरोध करने वाले युवकों को रोकने पर उसके मित्र तथा परिचित ने युवक पर जानलेवा हमला करने की घटना वर्ष 2008 में यूसुफ अली खदान परिसर में घटी थी। घातक शस्त्र से किए गए हमले में शिकायतकर्ता का पंजा कट गया था। इस मामले में तत्कालीन सिविल लाइन पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दंगा तथा जानलेवा धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर दोषारोप पत्र न्यायालय में पेश किया था। उक्त अभियोग की सुनवाई द्वितीय जिला व सत्र न्यायाधीश श्री भालेराव के न्यायालय में हुई। दोनों पक्ष की जीरा सुनने के पश्चात न्यायाधीश ने नामजद 11 में से 7 आरोपियों को दोषी मानते हुए 7 साल का कारावास, प्रत्येक को ₹8,750 जुर्माना अदा करने के आदेश दिए। स्टार्ट सर। दिनांक 3/1/2008 रोजी देवी खदान येथे जो गुन्हा दाखल झाला होता त्यामध्ये न्यायालयाने आज शिक्षा सुनावली आहे। त्यापैकी 7 आरोपींविरुद्ध गुन्हा सिद्ध झाला असून त्यामध्ये 143 मध्ये 147 मध्ये 148 मध्ये 324 व 307 या सर्व कलमांमध्ये न्यायालयाने त्यांना शिक्षा दिली व दंडित केले आहे। यामध्ये सर्वात जास्त शिक्षा ही 307 मध्ये 7 वर्षाकरता त्यांना सक्तमजुरीची शिक्षा दिली व प्रत्येकी 8,500 रुपये दंड करण्यात आलेला आहे। सदर प्रकरण हे हिंदू मुस्लिम वादातून निर्माण झाले होते। मुस्लिम मुले हे हिंदू मुलींविरुद्ध जे चिडीमारी करायचे व यातील फिर्यादी व जो जखमी आहे हे त्यांना नेहमी अडवणूक करायचे, त्यावरून हा गुन्हा घडला व तब्बल 13 वर्षानंतर आज त्यांना शिक्षा ठोठावण्यात आली। अंत में डालते हैं एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी मलकापुर रोड अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीता नगर, जहां हर निवाली पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हां, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीता नगर अकोला। शहर में सख्त लॉकडाउन ने याद दिलाया पिछले साल का लॉकडाउन। लॉकडाउन के मद्देनजर मदिरालय में भीड़, कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां। अतिक्रमण ने फिर पसारे अपने पैर और मंगलवार से जारी होगी कोरोना की नई गाइडलाइंस, लगेगा लॉकडाउन 1 मार्च तक। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी मलकापुर रोड अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीता नगर, जहां हर निवाली पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हां, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीता नगर अकोला। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। तब तक बने रहिए सिटी जंक्शन न्यूज के साथ। नमस्कार।